नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा। करनाल की बात करें तो वहां पर बीजेपी पन्ना प्रमुख सम्मेलन में सीएम मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस पर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर विधानसभा के कार्यक्रम के लिए जारी लिस्ट को लेकर के निशाना साधा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में मिशन 2024 को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में मौजूदा बीजेपी सरकार आगामी चुनाव में फिर से अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए जमीनी स्तर पर अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पन्ना प्रमुख सम्मेलन के जरिए अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में करनाल में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री कांग्रेस पर बरसते हुए नजर आए। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस की तरफ से हर विधानसभा के लिए कार्यक्रम के लिए लिस्ट जारी होने पर चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी हर बूथ पर है, हर पन्ने पर है। कांग्रेस अभी जिलों में अटकी है, उनकी कभी लिस्ट आती है कभी लिस्ट फट जाती है। कई फॉर्मूले उन्होंने लगाए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बड़ी मुश्किल से उनका बना है, साथ में चार लोगों की और जिम्मेदारी भी लगानी पड़ी है। नीचे कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, वही बीजेपी पार्टी हर पन्ना हर बूथ तक स्थित है। हम तो अपने यहाँ हर एक बूथ पर हर एक पन्ने को काम दे रहे हैं, वो तो अभी अपने जिलों में लटके हुए हैं कि उस जिले का अध्यक्ष कौन होगा। इसमें भी कई फार्मूले उनके बने हैं, कई लिस्टें बनी हैं, कई फट गई हैं, कभी लिस्ट आएगी नहीं आएगी क्या होगा। प्रदेश की लिस्ट में भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, न केवल प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मजबूरी में चार लोगों को पूंछ और भी लगानी पड़ी, तब जाके उनकी प्रदेश की इकाई का अध्यक्ष बना। जिलों में क्या होगा ये जो समय आएगा तब बताएंगे। नीचे उनका कोई संगठन इस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का संगठन भारतीय जनता पार्टी का है। तो हम अपने संगठन पर गर्व करते हैं, अपने कार्यकर्ता पर गर्व करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि बीजेपी कास्ट की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी क्राइम, करप्शन और कास्ट की राजनीति करती थी। हम जाति से ऊपर उठे हैं, हम एक हरियाणवी एक पर काम करते हैं। हम कास्ट का ना देखकर हर गरीब का भला करने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जिस प्रकार की मांग बाकी प्रदेशों में है, ऐसी कोई मांग नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमने अपने यहाँ समाज के हर वर्ग में जो नीडी आदमी है, जो गरीब है, उसकी पहचान पहले से कर ली है। वो कास्ट बेस से भी ऊपर उठ करके की है। कांग्रेस ने हमेशा देश में तीन खेल चले हैं, 3C, उनका जो एक खेल होता था जिसके अंदर करप्शन थी, जिसमें क्राइम था, और उसमें तीसरा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कभी भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं रही। हम तो जो व्यक्ति जिस कारण से वो कास्ट बेस को मांग रहा है गणना को, वो है गरीब लोगों की सहायता ज्यादा हो, उन लोगों का कैसे हित हो, वो हित इसके बिना भी हम कर रहे हैं। हम कास्ट से ऊपर उठे हैं। आपको याद होगा मैंने करनाल में ही हरियाणा एक हरियाणवी एक ये नारा यदि दिया था तो इसलिए दिया था कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ना करके लोग इस भावना से ऊपर उठ जाएं और हरियाणा में लोग ऊपर उठ जाएं। वहीं SYL के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उनका उसके लिए धन्यवाद। हरियाणा के लिए SYL बननी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। 4 महीने में नहर कैसे बननी है ये केंद्र सरकार या फिर सभी सरकार को बैठ कर तय करना है। नहर बनना एक विषय है, पानी नहीं होना दूसरा विषय। नहर बनने से पुराना सिस्टम भी सुधर जाएगा और पानी होना या ना होना ये ट्रिब्यूनल को तय करना है। तो 4 महीने देखते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार का वर्डिक्ट दिया है, मैं सुप्रीम कोर्ट का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एकदम स्पष्ट जो निर्णय दिया कि हम इस निर्णय को दे चुके हैं कि हरियाणा के लिए SYL बननी है। ये निर्णय आ चुका है, अब तो केवल एग्जीक्यूशन का विषय है। ये एग्जीक्यूशन सब सरकारें मिलकर के करेंगी या केंद्र सरकार अपने हाथ में लेगी, ये 4 महीने के अंदर अंदर केंद्र सरकार को भी तय करना है, पंजाब सरकार को भी तय करना। हमारी ओर से उसमें हमारे करने लायक कोई ऐसा नहीं है। हमारी डीम जो एक प्रकार से जो डिमांड है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है और 4 महीने के अंदर अंदर नहर कैसे बननी है। पंजाब का जो इतराज है कि इसमें पानी है कि नहीं है, पानी का फैसला ये ट्रिब्यूनल ने करना है, वो इस जो निर्णय हुआ है इसका वो हिस्सा नहीं है। बात साफ है, हरियाणा में चुनावी सरगर्मी तेज हो चली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने की कोशिश में जुट गए हैं और जनता के बीच अपने विश्वास को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। करनाल से विकास महला की रिपोर्ट।